ओम सर्वाकरिष्ट शांतिर भवतु सुशांतिर भवतु यजमान गृहे सर्व उपद्रव सर्व कष्ट शांतिर भवतु शांति ही शांति शांति। ओम देवता नमस्कार नमः नमः लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः उमा महेश्वराभ्याम नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः सती पुरंदराभ्याम नमः मातृपितृजनकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः देवेभ्यो दिव्येभ्यो नमः प्रधान देवता सिद्ध श्री महाकलाय नमःश्वराय नमो नमः। और एक साथ छोड़ दीजिएगा ओम सांब सदा शिवाय नमो नमः। पुनः हाथ में अक्षत पुष्प ले लीजिए बाबा भोलेनाथ को नमस्कार करते हुए ओम कंगण पदय नमः का जाप करते रहिएगा। कन्या के भी हाथ धोने दे दीजिएगा। ओम सुमुखस्थै कदन्तश्चा कपिलो कटिकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः दुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वितीयारम्भे विवाहे तत्प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे सङ्कटश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लां बन्धनं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये अविद्यनादुर्वीर्यं पूजितो यस्य राशुनिः सर्वविघ्नाः रसतस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्तुते शाममङ्गलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलायतनो हरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव गद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतिते ैर्विजयो भूते ध्रुवमितिर्मनिर्ममः अनन्याः चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते येषां नित्याभ्युक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् सकलदेह सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषां कमलं नित्यं व्रजामि शरणं हरि सर्वेषु आरम्भकार्येषु त्रयत्रे भुवनेश्वरा देवादिसन्तुनः सिद्धि ब्रह्मे सारजना
पीड़ा कष्ट व्याधि जरा
निवृत्ति अर्थम यथा विधि बृहस्पति जप पूर्वक ग्रह शांति ग्रह अरिष्ट निरसना हेतवे महादेव उपरि दुग्ध दधि घृत मधु शर्करा सहायेन पूजनम अर्चनम वंदनम अविच्छिन्न दुग्धधारया रुद्रसूक्तेन महाभिषेकम तथा च होमाग्नि स्थापनम होमम हवनादि कर्म ब्राह्मण वरणम ब्राह्मण पूजनम अहम करिष्ये कलंगत्वेन कार्यस्य दृढ़ता सुद्रतमादो गणेशस्मरणं गुरुस्मरणं दिग्रक्षणं दक्षिणे भैरव पूजनम उत्तरे हनुमत देवता पूजनम हनुमान चालीसा पाठ पूर्वक अद्य स्थापित महागणपति कुल देवी षोडश मातृका एक लिंग तो भद्र उपरि महादेव तथा च सूर्यादि नवग्रह मंडल देवता श्री महा पांडुरंग विठल देवता रखुमाई देवी पूजनम तथा च चिंतामणि पार्थिवेश्वरस्य प्राण प्रतिष्ठा पूर्वकम अर्चनादि कर्मम अहम करिष्ये। जो आपकी मनोकामना है बाबा को बताना है कि महादेव हमारे बालक के वो आरोग्यता प्रदान करिए, हम पूरे परिवार का सुख शांति आनंद की वृद्धि हो और शरीर निरोगी हो, मन भगवान की सेवा में लगे और जगत का सारा कार्य आपकी कृपा से सिद्ध हो जाए। महादेवाय नमो नमः दिग्रक्षणं कुर्यात्। जखन में पीली सरसों लेकर के दैन्य हाथ से ढक करके भगवान से प्रार्थना कि दसों दिशाओं से हमारे परिवार की रक्षा करिए, हमारे कल्याण करिए। ओम रक्षोहा विश्वद धनीरभिजो निमयो हते द्रोणे सदस्तमाशदत अपश्वर बंधु दे भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता रुण दर्दार देन सिंधु शुभाग्नया अपक्रामंग भूतानि विशाचा सर्वतो दिशं सर्वे शाम अविरोधेन पूजा सारा करूंगा, उधर आपको छोड़ के जाना है। चलिए भाई यहाँ से पूर्व रक्ष तुम्हारा अग्नि देवता दक्षिणे पद्मनाभस्तु नीतिया मधुसूदना पश्चिमे पातु गोविंदो वायुभ्यां कुजनार्दन उत्तरे श्रीपते रक्षे ईशान्यां महेश्वर ऊर्ध्वं गोवर्धनो रक्षे अधो अनंतस्तु रक्षतु एवं दश दिशो रक्षे वासुदेवो जनार्दन। और राइट हैंड से उसको जल को लेकर ऐसे नेत्र पे स्पर्श करिएगा। आप ही दीजिए थाई वही जल लगा लीजिए, नेत्र पे लगाइए वही वही जल आप लीजिए। हाँ चलेगा, बालिका को लगा दीजिए ऐसे का हाथ धो लीजिए, हस्त प्रक्षालय हाथ धो लीजिए इसे। हाँ अब क्या किए समझ में आया पूरा, क्या किए रोग दोष और शत्रु जीवन से दूर हो जाए। भगवती से प्रार्थना स्थान में जितनी भी नेगेटिविटी होगी भूमि के सब दूर होगी
और दसों दिशाओं में आपने देवताओं का पूजन किया, दसों दिशाओं से मेरे परिवार की रक्षा रक्षा हो रहा है। और अब देखिए दक्षिण में भैरव जी बाबा, भैरव जी बाबा आपको काल भैरव, और दूसरे उत्तर में हनुमान जी, दक्षिण में भैरव जी का स्मरण करेंगे और भैरव जी से प्रार्थना करेंगे कि आप मेरे परिवार की रक्षा करें दक्षिण दिशा। प्रार्थना करेंगे, नमस्कार करिएगा। ओम देवराज से Yeah.
देखा, 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 देख
दादा तो वही आ गया पूजयामि
ब्रह्मांडोदर तीर्थानि करे पृष्ठानि ते रवे तेन सुतेन मे देव तीर्थं देहि दिवा ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः सर्वोपचारार्थ गंधक्षत पुष्पाणि समर्पयामि गंधक्षत पुष्पैः सम्पूज्य ओम कवचेन अवगुण्ठ्य धेनुमुद्रया अमृते कृत्य ओम मत्स्यमुद्रया आच्छाद्य अष्टवारं अभिमंत्र्य। आप ऐसे जो है लेफ्ट हैंड नीचे करिए, राइट हैंड से ऊपर करिए, और जैसे मछली का आकार होता है उस प्रकार से कलश के ऊपर ऐसे हाथ रखिए। इस प्रकार से आज हर ऐसे ओम ओम वरुणाय नमः ब्रह्म वरुणाय नमः बस करिए। उद्गम हाँ ओम उद्गात उद्गम गृहीत्वा पूजां द्रव्यम पूजा द्रव्यम सामग्रीं च संप्रोक्षयेत। जय श्री राम। ओम हरि ओम पुनंत महादेव जनाः पुनंतवा भूतानि जात वेद पुनीमा। ओम भूर्भुवस्वः ओम ततपरम गणपति पूजनो। दुर्वाली करके दुर्वमस्ती ना गणेश जी महाराज का ध्यान करेंगे कि हे गणपति बप्पा आप प्रथम पूज्य देवता हैं, हम आपका पूजन कर रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए बालक के सभी रोग कष्ट पीड़ा दूर हो, हमारे घर में सुख शांति बढ़े। सुख करता और दुख हरता निवेदन करिए कि हे गणपति बप्पा हमारे घर में इस प्रकार से आपका प्रवेश हो, ऐसी कृपा बनाइए कि हमारे बालक का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा है वो एकदम उत्तम हो जाए, हम धन धान्य से परिपूर्ण रहे, आरोग्यता हमारे घर में रहे, माता लक्ष्मी स्थिर रूप धारण करके हमारे घर में सदैव रहे, ऐसा निवेदन करिए नमन करिए भगवान गणपति को। ओ सायुधम सशक्तम वाहयामि स्थापयामि पूजयामि गणपति गजानन महाराज की जय। पुनः द्वितीय गंधाक्ष पुष्पाणि गृहीत्वा उनकी माता जी का ध्यान करेंगे गौरी मैया का। ओम हरि ओम मां अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमा नयति कश्चन स सत्य स्वतः सुभद्रिकां पीलवासिनी मां। ओम भगवती गौर्यै नमः गौरीं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि सर्वोपचारार्थ गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि कलशम पूजय तीनों कलशों का ध्यान करेंगे। ओ तत्वाजामि ब्रह्मणा वंदमान सदा शास्ते यजमानो हवेमानो वरुणे अबोध्युरुषको समान आयुः प्रतिरन्तो जीवसे अनयोः कलशयोः वरुणाद्य वाहिदेवताभ्यो नमः सर्वोपचारार्थ गंधक्षत पुष्पाणि समर्पयामि तत्परम। ओम कुल देवी पूजन करेंगे एक सुपारी गंजे वहां से उसी में थोड़ा अक्षर छोड़ते रहेंगे, सबका आवाहन कर लेते हैं एक तंत्र पश्चात शिव जी के परिवार का आवाहन तब अभिषेक आएगा। ओम
हरि ओम। यदि थोड़ा थोड़ा अक्षर छोड़ते रहिए, लेफ्ट हैंड पर रखिए अक्षर और राइट हैंड से दो दो दाना उसमें छोड़ते रहिए दो मिनट। ओम भूर्भुवस्व ओम गौर्यै नमः पद्मायै नमः ओम सत्यै नमः मेधायै नमः सावित्र्यै नमः ओम विजयायै नमः ओम जयायै नमः देवसेनायै नमः स्वाहायै नमः स्वधायै नमः मातृभ्यो नमः लोकमातृभ्यो नमः भगवत्यै नमः पुष्ट्यै नमः पुष्ट्यै नमः आत्मनः कुलदेव्यै नमः कुलदेवे स्थापयामि पूजयामि कुलदेवी महारानी की जय। सर्वोपचारार्थ गंधक्षत पुष्पाणि समर्पयामि ओम गौरी पद्माश्री वेदा सावित्री प्रिया जया देवसेना सुदात्मा मातरो लोकमातरः पुष्टि तदा पुष्टिरात्मना कुल देवता गणे सेना दिव्यारिता वृद्धो गौर्यादि षोडश मातृभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। छोड़ दीजिए ओम भूर्भुवस्व ओम उसी दोना में छोड़ के माथे लगा के यहाँ रख दो दोना दे दीजिए बुढ़ा बुढ़ा अग्निस्थापनम गंधक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्य देवता मरुत देवता पृथ्वी देवता देवता वरुण देवता ओम भूर्भुवस्व शत मंगल नामाग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नवग्रहाणां पूजनम प्रथम पुष्पम बीच में सूर्य भगवान है बालिका को आगे बैठाओ वो चढ़ा जाए बीच में सूर्य का ध्यान करेंगे ओम जपाकुम शंकाशम काश्यपेयम महाद्युतम तमोरिम सर्व पापघ्नम प्रणतोष दिवाकरम बीच में सेंटर में सूर्याय नमः लाल वाला ना बिगड़ा हाँ तीन छोड़े सूर्य आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। देखिए इस कोने में चंद्रमा है दिख रहे उसी उसी मंडल मंडल दिस लगा इस तरफ कोने में चंद्रमा वा दिस तो चंद्रमा वा मंगल है ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत सम प्रभम कुमारम प्रत्यक्षम च मंगलम प्रणमामि भौमाय नमः भौमाय स्थापयामि पूजयामि पीत पुष्पाणि पीत पीत पुष्पाणि गृहीत्वा तिकडे एरो दिसतो एरो बाण तो बुध है म्हणायचं ओम बुधाय नमः छोड तिकडे प्रेम गुगलिका श्यामम रूपेण प्रथमं बुधम सौम्यम सम गुणोपेतम तं बुधम प्रणमाम्यहं बुधाच्या खाली येलो कलरचा स्क्वेअर आहे तिकडे बृहस्पतीचं स्मरण करायचं ओम देवानां ऋषीणां गुरुं कांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं बृहस्पतये नमः बृहस्पतिं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। मध्य सेंटर मध्ये तिकडे शुक्र आहे प्रणमाम्य भार्गवाय नमः शुक्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। अब मध्ये सेंटर मध्ये बाण दिसतो ब्लॅक कलर चा धनुष धनुष असतो ना हा तो मध्य सेंटर शनिश्चर आहे ओम शम शनिश्चराय नमः। नीलांजन समाभासं रविपुत्र मीमाग्रजं छायामार्तं संबोधं तन्नमामि शनिश्चरं शनिश्चराय नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। राइट साइड मध्ये राम ब्लॅक कलर चा आसन आहे अर्धकायं महावीर्यं चंद्रादित्य विमर्दनं सम्यकागर्भ संबोधं तं राहुं प्रणमाम्यहं राहवे नमः राहुं सर्वोपचारार्थ गंधक्षत पुष्पाणि समर्पयामि।
ये पूरा ऐसा घुमा के मतलब उसने पीछे बिलो पत्रम गृहीतवा ओ ले रही हाथ खाली हो गई चला तो ओम नमः शिवाय मनो शंकराचार्य स्मरण करायचं ओ तेज जमनो मनो मन मनो 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 मानसो माया धवम धवम धव धव धाव धाव आवाया में स्थापयामि
ध्यान करेंगे असवे स्वाहा स्वाहा गण श्रीये स्वाहा गणपते स्वाहा विभुवे स्वाहा स्वाहा सुखाय स्वाहा सदूरताय स्वाहा चंद्राय स्वाहा ज्योतिषे स्वाहा मलिनोजाय स्वाहा दिवापदाय सर्वेभ्यो नमः नागराजाय नमः। उनके मस्तक में चंदा मामा का ध्यान करेंगे। इमं देवा असपत पूर्वम महादे पुत्राय महादे ज्येष्ठाय महादे ज्ञानराज्याय इंद्रकेन्द्रियाय इमम मुख्य पुत्रम मुख्य पुत्रमते विकहेत भूमि राजा सोमसुमापम ब्रह्मणानं राजा ओम सोमाय नमः। उनके शीश में मस्तक में गंगा जी का ध्यान करेंगे। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरंगे शंकर मूल विहारिणी विमल शंकर मूल विहार गंगा मैया की जय हो। अच्छा ओम प्रतिष्ठापन उज्जवल है तो पानी कैसे रुक गया पश्चात प्रतिष्ठा ओम पानी जो हाथ पानी तेरे हाथ में पानी लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः नमः शिवाय। अस्य श्री प्राणप्रतिष्ठां तद्रूपं ब्रह्म विष्णु महेश्वरार्षिर्ये जो सामान्य चन्दान्ते क्रियामे प्राणाख्य देवता अम्बिजं प्रीतिक्रौ कीलकं देव प्राण प्रतिष्ठापने विनियोगा। ओम न्यासः ब्रह्म विष्णु रुद्र ऋषिभ्यो नमः शिरसि। ओम ऋग्यजो सामच्छन्देभ्यो नमः मुखे प्राणाख्य देवताभ्यो नमः हृदये अम्बिजाय नमः कुशये ीम शक्तये नमः पादयोः ॐ कीलकाय नमः नाभौ ॐ विनियोगाय नमः सर्वाङ्गे ॐ शङ्खं भूर्भुवः स्वः। प्राण प्रतिष्ठापन मंत्रः बिलुपत्राणि धृत्वा एक हृदय पे लगाना है। एक शिव जी को स्पर्श करें, शिव जी के पूरे परिवार की प्रतिष्ठा करें कि सभा पर विराजित होकर के हमारे बालक के कष्ट को दूर करिए, घर में सुख शांति आनंद की वृद्धि हो। ओम एक लेफ्ट हैंड में पकड़िए एक राइट हैंड में, तो राइट हैंड वाला जो रहेगा वो शिव जी को ऐसे स्पर्श करिए, लेफ्ट हैंड वाला ऐसे हृदय से लगा। ओम हरि ओम मनोकामना करी कि हे बाबा भोलेनाथ हमारे घर में ऐसी आरोग्यता है कि हमारा संतान हमारे बच्चे मैं मेरी पत्नी मेरा पूरा परिवार एकदम निरोगी काया रहे, कहीं किसी प्रकार की कोई बीमारी ना आवे, सदा सर्वदा माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे आरोग्यता बनी रहे, ऐसा बाबा भोलेनाथ से निवेदन है। आप हाँ कुछ भी ये करते हैं ना तो आप इम्तिहान को पकड़ के रखिएगा।
बस टच करके रखिए। ओम आम रीम क्रौम यम यम रम रम लम लम वम शम शम सम हम हम सह ओम चिंतामणि पार्थिव शिवस्य शिवस्य प्राणाय प्राणाः प्राणाय प्राणाः प्राणाय प्राणाः ओम आम रीम क्रौम यम रम रम लम वम शम शम लम हम सह चिंतामणि पार्थिवेश्वरस्य शिवलिंगा जीवय स्थितः जीवे स्थितः ओम आम रीम क्रौम यम रम लम वम शम शम लम हम सह ओम चिंतामणि पार्थिवेश्वरस्य शिवस्य सर्वेन्द्रियाणि वामनकं चक्षुः श्रोत्रजभाद्राण पाणिपाद पायुपस्थानि एवागत्य सुखं निरम तिष्ठन्तु स्वाहा अस्य प्राणापतिष्ठं भवति प्राणोच्चरन्तु जाये देवतमर्जाये मामहे तेज कश्चन चावल उठाकर छोड़ दीजिए शिव जी के ऊपर अस्य प्राण प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राण चरन्तु च अस्य मामहेति च कश्चन आचार्यै ओं भूर्भुवस्वः विनियोगः अत्यत्रेषु पञ्चाक्षर मन्त्रस्य वामदेव श्रीरष्टुभ्यः सदाशिवदेवताम् बीजं नमः शक्ति शिवाय कीलकं वंशं सदाशिवप्रत्यर्थे न्यास पार्थिवलिङ्ग पूजने जपे च विनियोगः वामदेव ऋषि नमः शिवशि अष्टुभ्यन्ते नमः मुखे नमः सदाशिवदेवताय नमः हृदि ओं आं बीजाय नमः भुजे ओं नमः शक्ते नमः पादयोः शिवाय कीलकाय नमः नाभौ विनियोगाय नमः सर्वाङ्गे ओं नम तत्पुरुषाय नमः हृदये मम गुणाय महापादयोः शिव सद्गुरुदाय नमः भुजिये वाम वाम देवाय नमः मस्तके ओम यम ईशानाय नमः मुखे करन्यासः ओम अंगुष्ठाभ्यां नमः ओम नम तर्जनीभ्यां नमः ओम मम मध्यमाभ्यां नमः श्रीमनन्दकाभ्यां नमः वाम करिष्णाभ्यां नमः ओम यम करदलप्रविष्टाभ्यां नमः ओम ओम हृदयाय नमः ओम नम शिरसे स्वाहा मम सुखाजी वशिता श्रीमनन्दाभ्या ओम कवचाय ओम ओम वाम नेत्रत्रय भूषिता ओम यम अस्त्राय त्वचा अतः ध्यान बिलु पतले करके शिव जी का ध्यान करना है ओम ज्ञाये नित्यं महेशं रजत गिरि निभं चारु चंद्रावत रत्ना कल्पो ज्वलांगं परशुमृग वरा इतिहासं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरवणे व्याघ्रप्रीतिं वसानं विश्ववाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं ओम समरिवाराय भगवते सांसदाशु पार्थिवेश्वराय नमः ध्यायामि चिन्तयामि प्रणमामि आसनाति बिलपत्रासनं च समर्पयामि ओम भूः पुरुषं सांसदाशु भावयामि भूः पुरुषं सांसदाशु भावयामि ओम शिवः पुरुषं सांसदाशु भावयामि भूर्भुवः सांसदाशुं आवाहयामि उमाकान्ताय नमः आवाहयामि ओम आवाहितो भव स्थापितो भव सन्नीतो भव ओम सन्निरुद्धो भव अवकम्पितो भव सुप्रीतो भव सुप्रसन्नो भव सुमुखो भव वरदो भव प्रसीद प्रसीद शंकर भगवान की जय हो। ओम पद्यादि अर्चनम एक कटोरी ले लेते उसी कटोरी में जो है बिटिया एक गिलास लेकर आना ग्लास